Hello class, today our topic is factors. We are going to start a fresh topic, that is factors. Before moving forward to questions, we will understand what is a factor. Factor क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि factor क्या होता है, factor किसे बोलते हैं. हमारे पास बहुत सारे numbers ऐसे होते हैं जिन्हें multiply करके हम same number ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 12, 12, नंबर 12. देयर आर अ नंबर ऑफ वेज वी कैन मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड वी गेट द सेम प्रोडक्ट. वी मल्टीप्लाई अ नंबर ऑफ नंबर्स टू गेट द सेम नंबर 12. सी, आई कैन मल्टीप्लाई 1 एंड 12. The product I get is 12. 1 और 12 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 12. सिमिलरली व्हेन आई मल्टीप्लाई 2 एंड 6, जब मैं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगी अगेन मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? 12. वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज 3 एंड 4. व्हेन आई मल्टीप्लाई द नंबर्स 3 एंड 4 अगेन the product is 12. So from this example we have learned that we can multiply a number to get the same product. Here we have multiplied different numbers. We have multiplied different numbers but the product is same. What we have learned from this example that by multiplying different numbers, we can get the same product. अलग अलग numbers को multiply करके हम क्या ला सकते हैं? Same product ला सकते हैं. क्या ला सकते हैं? Same product ला सकते हैं. Now, the thing to be noted here is the numbers which are multiplied to get the same product are known as factors of that product. जो अलग अलग numbers multiply किए जाते हैं, जो अलग अलग numbers, different numbers multiply किए जाते हैं to get the same product पाने के लिए जो अलग अलग numbers multiply किए जाते हैं, वही numbers क्या होते हैं? Factors होते हैं. ये जो numbers हैं, ये क्या है? यही numbers मेरे factors हैं. क्या है? फैक्टर्स हैं. किस चीज के फैक्टर्स हैं ये? ये है 12 के फैक्टर्स. ये किस चीज के फैक्टर्स हैं? 12 के फैक्टर्स हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ फैक्टर. सो दिस इज आवर डेफिनेशन. फैक्टर्स, डिफरेंट नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट द सेम प्रोडक्ट. अभी हमने देखा था कि अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम क्या पा सकते हैं? सेम प्रोडक्ट. एंड द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स और उस नंबर के फैक्टर्स, दे आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट और ऑफ दैट नंबर. दिस इज आवर डेफिनेशन फॉर द फैक्टर्स. नाउ वी नो व्हाट आर फैक्टर्स. हमें पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं. नेक्स्ट स्टेप कम्स इज हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स. हम फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देयर आर टू मेथड्स. वी विल लर्न बोथ मेथड्स वन बाय वन. मेथड वन, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन. एंड मेथड टू, यूजिंग division.
There are two methods. Number one is using multiplication and number two is using division. One by one we will learn both the methods. First of all we will see using multiplication. Let's take a number to find the factors. Let the number be 32. Question is find the factors of 32. Your multiplication should be strong. You will make three columns. What you will make? Three columns. Factor, and product. अपनी definition याद करिए. Definition क्या कहती है? अलग अलग numbers को करके आप क्या पाते हैं? सेम प्रोडक्ट मिलता है. अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सेम प्रोडक्ट मिलता है. वो जो अलग अलग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं. तो यहाँ अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम और प्रोडक्ट सेम होना चाहिए. प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 32. बिकॉज हमें किसके फैक्टर्स चाहिए? 32 के. तो यहाँ पर होगा बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन और इक्वल्स टू किसके आना चाहिए? 32. इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए? 32. फर्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करूंगी 32 आ जाए? आई विल मल्टीप्लाई इट विद 32. सो आई गेट टू फैक्टर्स 1 and 32. 1 and 32 are the factors of 32. Now move to next. 2 multiplied by 2 should be multiplied by 16 to get 32. So now I have 4 factors. 1, 2, 16 and 32. 3 multiplied by, can we multiply 3 by anything to get 32? No. This will be wrong. 3 is not a factor of 32. Why? क्योंकि 3 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 नहीं आएगा. 3 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 नहीं आएगा. Similarly, 4. When we multiply 4 by 8, we get 32. When we multiply 4 by 8, we get 32. So, 4 and 8 are also the factors of 32. Now, when you multiply 6, when you multiply 5, 6, 7 by anything, you cannot get 32. जब आप 5, 6, 7 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 32 नहीं आएगा. But when you move to 8 multiplied by 4, 8 multiplied by 4 is 32. But 8 comes here. 8 आपका यहाँ पर भी आया है. So this one is repeated. This factor 8 is repeated. You can see 4 is also there, 8 is also there. So this 8 is repeated. So your factors are still there. जब आपका factor repeat होता है तो आप उसको count नहीं करते. Now if you have to write the factors of 32, what will be the factors of 32? Factors of 32 are
और किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? नंबर इटसेल्फ। ग्रेटेस्ट फैक्टर विल बी नंबर इटसेल्फ। अब आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं 32 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1। चेक करिए 32 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1। वेयर एज द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज 32, दैट इज द नंबर इटसेल्फ। Smallest factor is always 1 and greatest factor is number itself. Now we will be finding the factors of 12 using division method. अब इसके हम factors निकालेंगे division method से. Division method में क्या करना है? हम division को use करेंगे. कौन सा operation को use करेंगे? Division को. Division आप सबको आता है. 12 को हम डिवाइड करेंगे, छोटे से नंबर से स्टार्ट करेंगे, नंबर बढ़ाते जाएंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर द रिमाइंडर शुड बी 0. व्हेन वी डिवाइड द नंबर गिवन, द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी 0. रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी वो उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा. इफ इट gives you a remainder, then it is not a factor. Let's start 12. First of all, let's start with 1. अभी हमने पढ़ा था किसी भी नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज मतलब उसके फैक्टर्स निकालते हैं. फैक्टराइज करना मतलब द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द फैक्टर्स. तो उसमें सबसे छोटा फैक्टर क्या आता है? ऑलवेज 1 से डिवाइड करेंगे सबसे छोटा नंबर. जब आप 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा और यहां पर भी 12 आएगा एंड रिमाइंडर विल बी 0. रिमाइंडर क्या है आपका? 0. ये रिमाइंडर हमेशा आपका 0 होना चाहिए. अगर रिमाइंडर 0 है, इट मींस आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर फैक्टर है. बट अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं है, इट मींस दैट नंबर इज नॉट अ फैक्टर. नेक्स्ट नंबर आफ्टर 1 कम्स 2. 2 से डिवाइड करेंगे 6 जा 12, इट इज आल्सो 0. सो 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 12. देन वी विल डिवाइड इट बाय 3. 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 0. So 3 is also a factor. We will divide it by 4. 4 3 is 12. So it is also a factor. We will divide it by 5. 5 से divide करेंगे 5 2 is 10. 2. यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर मेरा remainder आ गया 2. So 5 is not a factor. 5 is not a factor. अब हम करेंगे 6 से डिवाइड. 6 से 6 12 2 दिस इज 0. सो 6 इज आल्सो अ फैक्टर. अब यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे, फैक्टर्स रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं. कहां से? आप देखिए 1 से डिवाइड किया, कितने पे गया? 12 पे 0. सो आपका ये 1 भी फैक्टर है, ये 12 भी फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर्स हैं आपके. 2 से किया, ये 2 भी फैक्टर है, ये 6 भी फैक्टर है. योर डिवाइजर एज वेल एज क्वेश्चन, योर डिवाइजर एज वेल एज क्वेश्चन बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड. जब आप डिविडेंड की बात करेंगे तो आपका डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों ही डिविडेंड के फैक्टर्स होंगे. तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है. 3 इज आल्सो अ फैक्टर, 4 इज आल्सो अ फैक्टर. व्हेन यू डिवाइडेड इट बाय 4, 4 तो ऑलरेडी फैक्टर आ चुका है, 4 तो ऑलरेडी फैक्टर था. तो यहां पर इसने क्या करा? रिपीट होना स्टार्ट हो गया. तो आपको इससे आगे करने की जरूरत नहीं थी. जब फैक्टर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इट मींस इससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है. जैसे हमने मल्टीप्लाई
12 का फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे, डिवीजन मेथड से अभी हमने किया है। नाउ वी नो व्हाट आर फैक्टर्स, अब हमें पता है फैक्टर्स क्या होते हैं। वी ऑल्सो नो हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, हमें फैक्टर्स निकालना भी आता है, हमें पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देयर आर टू मेथड्स यूजिंग मल्टीप्लीकेशन एंड अदर वन इज यूजिंग डिवीजन। द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट कम्स इन फैक्टर्स इज कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, यू नो द मीनिंग ऑफ कॉमन, जो दोनों चीजों में आता है उसे हम कॉमन बोलते हैं। दो जो चीज दो चीजों में आए सेम चीज उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन। इट मींस आपको दो नंबर दिए जाएंगे, यू विल बी गिवन टू नंबर्स, आपको उन दो नंबर्स के फैक्टर्स निकालने होंगे और उन दोनों के फैक्टर्स में जो जो नंबर्स कॉमन होंगे विच मींस सेम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे। लेट्स डू इट विद अ एग्जांपल। Our question is, find the common factors of 25 and 30. Find the common factors of 25 and 30. अब common factors find out करने के लिए सबसे पहले आपको factors पता होने चाहिए, उसके लिए आप factors निकालेंगे। आप multiplication या division कोई भी method use कर सकते हैं। Here we are using multiplication method. First of all, here you will find out the factors of factors of 25. Factors of 25. We know that the smallest factor is 1. Smallest factor kya hoga? 1. Sabse pehle 1 aayega. 1 multiplied by 25 will be 25. After that comes 2. 2 ko aap kisi bhi number se multiply kariye, kabhi bhi 25 nahi aayega. Similarly, 3, 4. 2, 3, 4 are not the factors of 25. 5 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए 25 नहीं आएगा। द नेक्स्ट नंबर विल बी 5. 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 25. विल बी 25. आफ्टर दैट कम्स 25 इटसेल्फ, बट 25 इज हियर, सो यहां से ये क्या होगा, रिपीट, क्योंकि 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 नहीं आएगा। So, my factors of 25 are 1, 5 and 25. 25 के कौन-कौन से factors हैं? 1, 5 and 25. 25 के factors निकाले हमने, कौन-कौन से factors आए? 1, 5 and 25. Similarly, we will find out the factors of 30. We will find out the factors of 30. Factors of 30. First one will be always 1. 1 multiplied by 30. It will be 30. After that 2. Yes, 2 is a factor. When we multiply 2 by 15, it is 30. After that 3, yes 3 is also a factor, 3 multiplied by 10 is 13. 4 multiplied by, 4 multiplied by any number cannot give 13. After that comes 5, 5 multiplied by 6 gives you 13. After 5 comes 6, 6 multiplied by 5, 6 multiplied by 5 gives you 13. But this 6 has come here and this 5 has come here. So here they are being repeated. So my factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30 itself. 30 itself. They are the factors of 25 and they are the factors of 30. Now, carefully look at the factors and tell me what are the common numbers. Dono mein common numbers kya hai? Jab aap dhyan se dekhenge, 1 is common, 5 is common. 1
1 and 5 जो नंबर सेम है वही आपके क्या है कॉमन फैक्टर. सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 and 30 आर 1 and 5. योर आंसर इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 and 30 आर 1 and 5. और वही आपके क्या होंगे कॉमन फैक्टर्स. इट वॉज सो